और जे मैम भी मदद करवा। ये देखें, वाओ माशाल्लाह, आज का संडे तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, हमारा हलवा रेडी है। ओपन कैमरे का ऑन बंद देखा, अब देखो मेरा भी सॉन्ग फेमस हो जाएगा। हाँ टूट गए मेरे, और देखो वो भगोने में मैंने चढ़ा दिया है। ओ मेरा हाथ जलना नहीं है, आपको दिखाने के चक्कर में। देखो देखो क्या क्या करना पड़ता है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हो बस वीडियो देखते। सोचो यार कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कितनी मेहनत लगती है, इतने परेशान होते हैं बीच बीच में आप लोगों के वीडियो बनाते हैं। प्लीज यार वीडियो को वायरल कर दे, एक आध वीडियो वायरल कर दे प्लीज। मम्मी याद नहीं गिर जाए। सो है गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है संडे। ये वीडियो आप लोगों को देखेगी मंडे को, और जैसा कि रात में मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉग बनाया था, हम बना रहे हैं आज संडे के स्पेशल में गाजर का हलवा। और खाने में क्या बनाएंगे वो तो खैर मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, और बस अभी तो मैं गाजर के हलवे में ही लगी हूँ, बहुत सारा ये बना रही हूँ गाजर का हलवा। और उसके बाद सारे काम हमारे हो चुके हैं, बस थोड़े से बर्तन हैं। तो आप लोग तो जानते हैं हमारी जो सिंक नहीं लगी है, तो पहले मैं पूरे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, यहाँ तक कि अगर दोपहर के मतलब अभी नाश्ता वगैरह हो जाएगा, 11 बज रहे हैं तो नाश्ता वगैरह हो जाएगा बच्चों का, उसके बाद जितने भी बर्तन निकलेंगे ना तो वो बर्तन हम साथ में धोएंगे, क्योंकि बार बार फिर आंगन गंदी करो, फिर आंगन को क्लीनिंग करो, इसलिए मैं ना ज्यादातर बर्तन सिर्फ दो बार धोती हूँ, एक मॉर्निंग में धोती हूँ और एक फुल नाइट में धोती हूँ, या फिर ऐसे धोती हूँ मगरिब के बाद। गर्मियों में हम बर्तन 3 से 4 बार धो लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में आंगन जल्दी सूख जाती है और ज्यादा पानी का काम करने में भी मजा आता है। अभी तो फिलहाल मजा आ नहीं रहा है। और बताएं आप लोगों का संडे कैसे जा रहा है, आप लोग भी कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों का दिन कैसा गुजरा, आप लोगों ने संडे किस तरीके से मनाया, वो भी अपडेट मुझे देते रहा करें आप प्लीज। और अगर मुझसे बात करना है, मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना है, तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, यही नाम से है एलिस मिर्जा ब्लॉग, मतलब ये ब्लॉग तो इसमें एलिस मिर्जा के नाम से है, फॉलो कीजिए वहाँ पर। और वहाँ पर मैं आप लोगों से आराम से बात करती हूँ, यूट्यूब पर ना क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाती है। और मॉर्निंग का टाइम बस बच्चों को खाना खिलाते पिलाते फ्रेश करवाते करवाते हो जाता, तो थोड़ी देर से मिलती हूँ आपसे। तो इसमें मैंने अभी डाला है 1/2 किलो दूध, अब इसमें जाएगी ये मतलब नॉर्मल कटोरा, थोड़ा सा बड़ा कटोरा है तो 1 कटोरी आप इसमें मलाई समझ लें, इसलिए मैं इसमें ना और दूध नहीं डाल रही हूँ, अब इसको मैं निकालूंगी। और इसमें ज़रूरी नहीं है ना कि हम बहुत सारे, क्योंकि इसमें अभी हम खोया भी ऐड करेंगे और घी भी ऐड करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें समझ लें आप 3 पाव के करीब डाल दिया है दूध, अभी इसको अच्छे से अब हम इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे
मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, उन्होंने वीडियो में देखा है कि मैं असलम चिकन बनाती हूँ, तो उनका मन हो रहा था असलम चिकन खाने का, तो बस आज जो उन्होंने ही चिकन भेज दिया है, तो बस अभी मैं उनके लिए ही बना रही हूँ चिकन। हेलो गाइस, तो हम देने वाले हैं अपने हलवे को फाइनल टच। और फाइनल टच कैसे देते हैं, तो सभी लोग हलवे को तो जानते ही हैं, पर यार जैसा मैं बनाती हूँ वैसा तो आप लोगों को बताऊंगी। अभी फाइनली मेरा हलवा पूरा हो चुका है कंप्लीट, अब आप लोगों को उसका लुक दिखाती हूँ। ये देखें पूरा हलवा जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो गया है, मतलब बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ ही ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास जो थे अवेलेबल वो मैं डालूंगी। और वैसे भी बच्चों को ना ये सिर्फ बादामी काजू ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ काजू और डालती मैं। ये मावा है, ये एक कटोरी घी है, और इसमें अभी इलायची है, और ये कचरा नहीं डालूंगी मैं खैर। तो ये इलायची को अभी मैं ना कूट लेती हूँ अच्छे से, और इसमें ये सारी चीजें अभी डालेंगे हम। पर मैंने 5-6 ली है, 5-6 नहीं है सॉरी 6-7 है, 6-7 है, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी मैं क्योंकि ज्यादा अच्छी मुझे नहीं लगती है। तो जब तक हम अपना इसमें डाल देते हैं घी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसमें घी। ये गया इसमें घी, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएंगे ये हमारे काजू, और थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ। मेवा मैं थोड़ी देर से डालूंगी, अभी ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसमें मैं मावा ऐड करूंगी। इसमें ऐड कर दी मैंने इलायची पाउडर पूरा, हो गया हमारा हलवा मजेदार सारे। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसमें डालती हूँ मैं लस्सी। गया हमारा पूरा इसमें मावा, तो जी अब मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखने में भी मजेदार और खाने में मजेदार। खाने में मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों ने ना घी मेवा के बगैर ही ना इसको खा भी लिया और टेस्ट भी कर लिया, क्योंकि बच्चों से नहीं हो रहा था सबर। पूरे घर में खुशबू इतनी ज्यादा महक रही थी कि बच्चों ने कहा मम्मी मुझे तो दे दो, हमसे नहीं हो रहा कंट्रोल। तो बच्चों के लिए बना रहे थे, तो जैसा उनको खाना था बस वैसा मैंने उनको दे दिया। अभी बच्चों को टेस्ट कराऊंगी, सबसे पहले मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, वाओ माशाल्लाह, आज का संडे तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, हमारा हलवा रेडी है। सबकी है, जाओ दिया ऊपर, हाँ नाना को भी दिए, हाँ रिदा को नहीं है, चालू ही नहीं हो रही थी वो, इतनी देर से मैं चालू कर रही थी। जाओ आप वीडियो मैं कह रही, आप तो बस मत से जाओगी,
बस से चली जाती ना, बस से सही रहता है ना। रहने तो बहुत ज्यादा लेट चल रही है, नहीं लेट भी बहुत चल रही है। गुड इवनिंग गाइस, हमारी चाय पिल रही है गर्मा गर्म। गुड इवनिंग, देखो इनकी भी चाय पिल रही है। सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा सिर्फ इसी चीज में आता है और एक रजाई में। सिर्फ दो चीजों में मजा है, चाय और रजाई होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, काम कुछ भी नहीं है ना। आज हमारी जान की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है। आप ठीक है? सिर में दर्द हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अभी चाय पीते हैं। और क्या बनना है आज खाने में, कुछ बनना है? बस खाने की पूछो, देख लेना, बताओ क्या बनना है खाने में। कुछ भी बना लो। अच्छा, आप लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि खाने में क्या बनना है, वो चीज मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। कुछ भी हम बना नहीं सकते, और हमेशा यही जवाब मिलता है कि कुछ भी बना लो, और कुछ भी बना लेंगे तो किसी से कुछ नहीं खिलेगा। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के ऐसी सब्जी बनाना पड़ता है। अभी मुझे ना आधा एक घंटा लग जाएगा सोचते सोचते, फिर उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पर देखें, ये लोग ना अपना थिएटर बनाकर अपना कार्टून देखते हैं। ये देख रहे हैं माशा इन द बैर, और अभी इनकी एक और बैर नहीं आई है, तो इन्होंने ये वाला बैर रख लिया है। अभी टू माशा है ये, और बड़ा वाला बैर कहाँ है तुम्हारा? अच्छा चले, अब चलते हैं हम किचन में। ये आ गए हम अपनी किचन में, और यहाँ पर हमारी प्याज हो रही है फ्राई, बहुत सोचने समझने के बाद। हमारे फ्रिज में थोड़ा सा चिकन लेफ्ट ओवर था, ये है 250 ग्राम, और ये प्याज भी हमने समथिंग 250 ग्राम ही ली है। हम बना रहे हैं इस टू कुछ नहीं बना रहे, मैं बना रही हूँ हरा भरा चिकन, बस सादा सिंपल सा, हरा भरा भी नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हरी मिर्चों का बनता है ना, बस वही बना रही हूँ मैं। बहुत सोचने समझने के बाद ना मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, और फिर संडे भी था, तो चिकन जो है ना वो आजकल मैं अपने फ्रिज में रखती ही हूँ। आज ख़त्म हो गया, तो एक दो दिन बाद मैं फिर मंगवा लूँगी, तो मैं 2 किलो करीब मंगवा लेती हूँ, जिससे कि ना 3-4 बार आराम से हो जाता है। तो अभी ये 250 ग्राम बचा है, तो मैंने सोचा इसको मैं हरी मिर्चों का चिकन बना लेती हूँ। और आज दिन में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मेरी रोटियां जो है ना वो देखें आप, पूरी फुल की फुल है। बस हस्बैंड जो है ना बासी रोटी खाते नहीं है, और बच्चों को भी मैं देना तो नहीं चाहती, लेकिन आज मैं कितनी खाऊंगी और कितनी वेस्ट करूंगी, दानियाले जाया भी नहीं कर सकते, दिन की है तो आराम से खिल जाएंगे, नॉर्मल सॉफ्ट ही है, और गर्म कर लूंगी। बस हमारा चिकन बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चिकन को डालकर अच्छे से भून लिया है, देखिए तेल जो है, ऑयल जो है ना वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्ची। तो हमारे यहाँ तो भाई तीखा कम ही खाते हैं, हरी मिर्ची आज जितनी मर्जी है उतनी डालें। इसमें मैंने रेड मिर्ची का यूज नहीं किया है। बस अब हमारा बस 5 मिनट में ये हो जाएगा रेडी। तो देखने में तो बड़ा ही लाजवाब लग रहा है, अब देखें खाने में कैसा लगता है। कैसा बना? एक नंबर। 10 में से कितने नंबर? एक नंबर। हेलो 10 नंबर। मेरा तो सच में पेट इतना भरा है, और इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो दिखा दो। ये भी फैलने जाए पीछे को, सर को बहुत टेस्टी बना है।
पीजीएल सर को।